एक अभी जो हम लोग जिस जगह में है तो इस जगह को कहा जाता है भारत का छोटी फ्रांस। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक और बढ़िया ही होंगे। तो भाई ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहीं और, तो गाइस ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहीं और एंड मैं बहुत दिन से कुछ वीडियो भी नहीं डाला था। कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ मैं किसी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। भाई हवा चल रही इधर से, किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, बट अभी फ़िलहाल मैं हूँ पांडुचेरी में एंड मैं यहाँ आया हूँ आज को एक ऐसी जगह घूमने के लिए जो कि आप लोग पीछे देख सकते हो एंड मैं आपको बाहर से भी कुछ दिखा दूँगा। तो यहाँ से आपको पीछे दिखेगा ये जो है गाइस ये पूरा बंगाल की खाड़ी है एंड इसी बंगाल की खाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी जो कि पूरे आंध्र प्रदेश को पानी सप्लाई करता है। और यहाँ पे एक अभी जो हम लोग जिस जगह में है तो इस जगह को कहा जाता है भारत का छोटी फ्रांस। एंड फ्रांस छोटी फ्रांस क्यों कहा जाता है आपको देख सकते हो, क्योंकि जिस तरह फ्रांस में एक एफिल टावर फेमस है उसी तरह यहाँ पर ये टावर फेमस है। और अभी हम लोग आए हैं इस टावर पर कुछ फ़ोटोशूट करने के लिए, मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स और भी हैं। अरे भाई यहाँ तक चलने में मेरा टाइटल फीस हो गया, बिकॉज नीचे से देखने में ऐसा लगता है कि छोटा है। वो भाई हवा चल रही है एंड ऊपर चढ़ते चढ़ते जब मेरा पूरा टाइटल फीस हो गया एंड जब मैं इस मिरर को देखता हूँ, इसको देखने के बाद अगर मैं नीचे देखता हूँ तो सर चकराने लगता है भाई। अभी जो मैं फ़िलहाल हूँ मैं बीच सेंटर पर हूँ और मेरे को इससे ऊपर और भी जाना पड़ेगा, तो अगर मेरे को हिम्मत मिलती है तो मैं ऊपर जाऊँगा, नहीं तो नीचे से ही कुछ फ़ोटो लेके चले जाऊँगा। एंड यहाँ से अभी जो हवा चल रही है भाई कितनी मस्त हवा ज़बरदस्त चल रही है। और ये इधर इंडिया का सबसे लास्ट विलेज है, ये छोटा सा विलेज है एंड यहाँ से आपको बंगाल की खाड़ी पूरा स्टार्ट है। इधर पूरा आपको बंगाल की खाड़ी दिखेगा एंड ये वाली जो नदी निकली है इधर से, तो ये पूरे आंध्र प्रदेश को, इस नदी का नाम है गोदावरी नदी एंड ये पूरे आंध्र प्रदेश को पानी सप्लाई करता है। तो फिलहाल ये आप कुछ व्यू देख सकते हो और मेरे साथ यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त और भी आए हैं जो फोटो शूट कर रहे हैं। और हवा बहुत तेज़ चल रही है जिससे मेरा हेयर स्टाइल पूरा बिगड़ गया, तो किसी तरह चलते हैं ऊपर और होता है तो ऊपर जाकर कुछ फ़ोटो लेते हैं, नहीं तो फिर नीचे से आपको कुछ व्यू दिखाएंगे फिर चलते हैं। लिटरली गाइज यहाँ जो है ना बिहार के अकॉर्डिंग यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है एंड गर्मी के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ चलती है, इसलिए गर्मी का इतना एहसास हम लोगों को नहीं होता है। एंड गाइज यहाँ से जो फ़ोटो आता है भाई रिफ्लेक्ट में, फ़ोटो मिरर में जो रिफ्लेक्ट होता है उसके बाद जो फ़ोटो लेते हैं बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो आता है। तो आई लव दिस प्लेस यार रियली एंड आई लव दिस टावर ऑल्सो एंड इस टावर को बोला जाता है
भारत का छोटी फ्रांस। एंड आपको मैं यहाँ से कुछ नीचे का व्यू दिखाता हूँ जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। आप नीचे का व्यू देखो, चालू है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरे आगे में इसका भी कंस्ट्रक्शन चालू है। इधर साइड स्विमिंग पूल बना रहा है एंड इधर भी ये सारा काम अभी पेंडिंग में है, अभी फुल्ली इसका काम कवर नहीं हुआ है। तो मैं इसका आपको चारों तरफ से लुक भी दिखा दिया है, मैं इसको बाहर से भी दिखाऊंगा। देख सकते हो ये अभी भी ये काम जो है इसका काम अभी भी पेंडिंग में है। एंड ये आपका रिलायंस का कोई बड़ा सा कंपनी है एंड एक छोटा सा गांव इधर बसा है जो कि ये पांडुचेरी का लास्ट विलेज है। इसके बाद आपको उधर आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश और ये पांडुचेरी का पूरा लास्ट विलेज है एंड इसके बाद यहाँ से पूरा उधर समुद्र। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर, उसके बाद फिर मैं आपको नीचे से कुछ व्यू दिखाता हूँ। ओ भाई देख रहे हो, हम लोग को ऊपर चढ़ते चढ़ते पूरा पसीना आ गया था, सीढ़ी से आना पड़ा, लाइट नहीं थी बिकॉज लिफ्ट बंद था। भाई कैसे जा रहे हो तुम ऊपर? इससे चलना पड़ेगा मेरे को? मैं नहीं आऊँगा भाई, मेरे को नहीं जाना है भाई। इसको देख के तो मेरे को डर लग रहा है। एक तो मैं नीचे से सीढ़ी से ऊपर आते आते मैं पूरा टायर्ड हो गया एंड मेरे को सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन इतना भी शौक नहीं है कि ऊपर जाके कुछ देखें। यहाँ से जो व्यू देखे वही मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसको चढ़ के नहीं जाना है। मामू दिया वो दिया हूँ देख रहे भाई कितना डिफिकल्ट ऊपर जाना। भाई आप अपने फ़ोन से ना वहाँ से कुछ व्यू रिकॉर्ड करके लेके आना मेरे लिए। रास्ता नहीं बाहर जाने का, उतर जाओ तो फिर नीचे आ जाओ। चलो भाई इतना ही काफ़ी है, चलो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबका फ़ोटो लेते हैं उसके बाद चलते हैं नीचे, बिकॉज शाम होने वाली है, फिर बंद हो जाएगा तो फिर हम लोग अंदर ही रह जाएंगे। भाई जल्दी चलो, मेरे को बहुत डर लग रहा है भाई। भाई इस रैली में मेरे को इतना डर लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकता, मेरे अंदर से ना मेरा पूरा फटा हुआ भाई। मैं जल्द से जल्द, मेरे को नीचे जाना है, जल्दी से जल्दी उतरना है, एक शाम होने वाली है एंड अंदर से जी बंद कर दिया तो फिर भाई। एक तो कैसे कैसे ऊपर चढ़ा यार, फिर मैं नीचे उतरते होता जब पूरा थक जाऊंगा भाई, दिखाई नहीं पड़ रहा है चश्मे पहन के। सो फाइनली नाउ वी आर गोइंग बैक टू माई रूम। Moments later. तो फाइनली गाइस जाते जाते मेरा फ़ोन का चार्ज भी डिस्चार्ज हो गया है एंड अभी ये थोड़ा सा बाहर का लुक देख सकते हो शाम में कैसा दिख रहा है एंड अभी शाम के बज रहे हैं, अप्रोक्स 7 बज रहा होगा। कितना टाइम हो रहा है भाई? 7 बजने ही वाले हैं, 6:50 हुआ। तो ये था उसका मेन गेट जहाँ से हम लोग एंटर किए थे, वो ये जगह था यहाँ से हम लोग एंटर किए थे एंड आपको अंदर जाना पड़ेगा वहाँ। एंड यहाँ आने में पसीने से मैं पूरा एकदम लतबद हो गया भाई, मतलब लतबद हो गया हूँ दिल्ली में, पसीने से एकदम पूरा लाल हो गया हूँ मैं एंड प्यास मेरे को इतनी लगी है कि क्या ही बताऊँ, इतनी प्यास लगी है बस पानी नहीं मिला यार कहीं। तो उम्मीद करूँगा यार वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब भी कर देना। तो सुबह बाय, लव यू, टेक केयर गाइस। I'm gonna go get some more.